हेलो भाई, मैं हूँ अंकुश और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में भाई हम लोग करने वाले हैं फाइनली जुपिटर 125 का माइलेज टेस्ट। तो भाई कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था पिछली वाली वीडियो में कि भाई ये एवरेज कितना दे रही है वो बताओ। तो आज फाइनली इस वीडियो में हम इसका एवरेज टेस्ट करने वाले हैं। और काफ़ी कुछ दिनों से, महीने भर से जो है वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं भाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सभी को। दीपक भाई जानते हैं, वो थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, इस चक्कर में वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। बट लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस जो है वीडियोस आएंगी, हर वीक में आपको एक ना एक वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सपोर्ट करो, बने रहो वीडियो में और चलते हैं फिर इसका टेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना हमें एवरेज दे रही है। देखो भाई, इसकी एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर है, नीचे की तरफ है ना। तो इस गाड़ी का भाई हम पेट्रोल तो निकाल नहीं सकते पूरा, यहाँ से फिलिंग होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ फ्यूल है अभी पहले से, ये स्टैंड लगा हुआ है तो अभी आवाज़ करेगी। एक सेकंड में स्टैंड हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, थोड़ा बहुत फ्यूल है इसमें, तीन जो डंडे हैं इसके दिखा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे फ्यूल स्टेशन और पूरा फ्यूल जो है फिल कराएंगे, पहले पूरी तरीके से ऑटो कट तक इसको फिल कराएंगे, उसके बाद इस गाड़ी को चलाएंगे ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर्स। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि ये गाड़ी जो है एवरेज कितना दे रही है। ये 99 कर लो। ट्रिप जीरो कहाँ से होगी अपनी? तुमने हमें 5 नहीं दिए लेकिन हमने 9 तुम्हें कितने दे दिए भाई। यहाँ पे मैंने ट्रिप को जो है जीरो कर दिया है। अभी हम यहाँ से पूरा फ्यूल फिल करा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि कितना आ रहा है। ये देखो भाई, ये अभी एक सेकंड है ना, ये देखो जीरो दिख रहा होगा आपको। बाकी अभी देखो भाई, भैया यहाँ पे फ्यूल फिल कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कितना बनता है अभी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना एवरेज दे रही है। ऑटो कट तक ही भर देना क्या? या ऑटो पूरा कर दो, पूरा कर दो ऊपर तक। हाँ ऊपर गले तक भर दो। ये देखो भाई, यहाँ पे पूरा ऊपर तक पूरा एग्जैक्ट फिल हो गया है। यहाँ पे देखो कितना आया है, 236 रुपये का आया है भाई। ये देखो यहाँ फाइनली ट्रिप को मैंने जीरो कर दिया, पूरा फ्यूल फिल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ऊपर मीटर तक भरा है। थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा अंधेरे में भी दिखा दूंगा। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कितना गाड़ी एवरेज दे रही है। उस जर्नी को बंद हो गई, देखो भाई ये ऑटो वाला फंक्शन बड़ा काम का है, और 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाती है। अभी इसको स्टार्ट करने के लिए देखो, बड़ा बड़ा सा ईजी है, ये हल्का सा करना है, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। भाई यहाँ पे हमने छोटा सा एक ब्रेक ले लिया था, आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी चली, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये साउंड बड़ा ख़तरनाक करता है यार, 26.8, 26 किलोमीटर जो है गाड़ी, 27 किलोमीटर जो गाड़ी चल चुकी है। बाकी एक छोटा सा हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, हम यहाँ पे आए थे अपने भोपाल के एयरपोर्ट पर, और अभी इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। भाई इतनी कुछ जो है अपनी गाड़ी चल चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 54.7 किलोमीटर चल गई है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं, सामने फ्यूल स्टेशन आ गए हैं, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, वो सामने इंडियन ऑयल है। जिस फ्यूल स्टेशन से हमने पहले पेट्रोल फिल कराया था उसी पर हम दोबारा आ चुके हैं, और अब देखते हैं इसमें कितना फ्यूल आता है, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि कितना एवरेज इस गाड़ी ने दिया हुआ है। जो फ्यूल बनेगा उससे हम
जितनी चली है उसको डिवाइड कर देंगे तो अपना क्लियरली अपन को ये पता चल जाएगा कि गाड़ी ने एवरेज हमें कितनी दी है। पूरा ऊपर तक कर दो भाई, ये दोबारा यहाँ पे जीरो देख लेना आप, जितना बनेगा वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे हम, ये जीरो और थोड़ा बहुत ही बनेगा एक आध लीटर। हो गया ये देखो भाई, पूरा वहीं तक भर दिया है। इसमें कितना आया है, 1.32 लीटर, 148 रुपीज का आया। इसके बाद हम आपको हिसाब लगा के बताते हैं कि कितना इस गाड़ी में टोटल फ्यूल जो है अभी तक आया। तो भाई अब आ गया है फाइनली कैलकुलेशन करने का टाइम। तो एक बार दीपक भाई अपना मोबाइल निकालो, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी चली है। 54.88। हाँ अब इसे डिवाइड कर दो, अभी कितना डलवाया अपन ने, 1.32 भाई, ये एवरेज दी है इस गाड़ी ने अभी। ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड है, सही कह रहे हो भाई तुम। टीवीएस भाई जुपिटर वाले तो बोलते हैं कि बहुत देती है बहुत देती है, ज़्यादा ये कौन सा एवरेज दिया है 41.51 का, इतना तो इससे उम्मीद नहीं है यार। हो सकता है भाई न्यू गाड़ी है, नया व्हीकल है, अभी ज़्यादा चली भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ये चली है, कुल 1354 किलोमीटर जो है अभी गाड़ी चली हुई है, और इसके अलावा गाड़ी चली नहीं है। अभी नई गाड़ी है, अभी पहली सर्विस भी इसकी हुई नहीं है। हो गई क्या पहली सर्विस, करवा ली तुमने पहली सर्विस? हो गई भाई। हाँ तो वो तो सिर्फ पहली सर्विस में चेकअप करते हैं, उसके बाद अच्छे से जो क्लियर वाली पहली सर्विस होती है ना जिसमें पूरा काम होता है, उसके बाद देखेंगे अपन दोबारा टेस्ट करके कि फिर गाड़ी कितना एवरेज देती है। अभी तो जो है सेटिस्फाइड नहीं लगता मुझे, क्या सेटिस्फाइड हो तुम? नहीं भाई मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, सेटिस्फैक्ट्री है ही नहीं ऐसा, इतना कम एवरेज देगी सोचा नहीं था। पर भाई जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, आपके सामने हमने ट्रिप को जीरो किया था और उसके बाद पूरी जर्नी करी, उसके बाद दोबारा सेम फ्यूल स्टेशन पे आके उसी बंदे के पास से हमने यहाँ पे फ्यूल भरवाया है और आपको बताया है कि गाड़ी कितनी चली है। तो जो एवरेज निकल के आई है भाई वो है 41.51 किलोमीटर्स की, तो मतलब ये तो एक एवरेज अच्छा नहीं है। बाकी हमने इस गाड़ी को 50 से 60 के स्पीड में ही मेंटेन किया है, कुछ ज़्यादा स्पीड में भी नहीं भगाई है। और ना हम लोग तीन लोग थे भाई, हम लोग सिर्फ दो लोग इस गाड़ी पे बैठे हुए थे, जैसे एक्टिवा ने, अपन तीन लोग थे उस टाइम एक्टिवा पे, फिर भी उसने काफ़ी अच्छी 43 की एवरेज दे दी थी, तो इससे तो उम्मीद ज़्यादा की थी। फिर भी देखते हैं किसी अगली वीडियो में देखेंगे कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है जब थोड़ा और चल जाएगी, इसे थोड़ा और टाइम हो जाने देते हैं। बाकी जो न्यू व्हीकल है उसमें कितना इसने एवरेज दिया वो आपके सामने है भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।